दोस्तों नमस्कार, मेरे खुफिया जानकारी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आपको पता ही होगा छत्तीसगढ़ में हमारे जहाँ बहुत से पर्यटक स्थल है, तो मैं आपको उसी के बारे में आपको इस खुफिया जानकारी के माध्यम से आपको पूरा बताऊंगा। दोस्तों हमारे इस नगरी जिसे हम कहते हैं चैतुरगढ़, चैतुरगढ़ आप देखे ही होंगे, घूमे होंगे, बहुत दूर नहीं बस पास है। तो देखते हैं आप चैतुरगढ़। चैतुरगढ़ कोई ज़्यादा दूर नहीं, कोरबा शहर से है, वही 70 किलोमीटर की दूरी पर है। यह पाली से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे आप देख सकते हैं। यही पाली से उत्तर की ओर है, जिसे 25 और 350 मीटर की दूरी और ऊपर में दिखाई देती है। यह एक बताते हैं कि राजा ने बनवाया था, जिसका नाम था पृथ्वीराज द्वारा बनवाया गया था। वही पूर्वातिक विधों की जानकारी में ऊंचे और मजबूत वित्त की बनाया गया 4 खंभे हैं, जिसे बहुत ही मजबूत बनाई गई है। जिसे किले में 3 प्रमुख दीवार भी है, जिसे मेनका दीवार के नाम से इसको जाना जाता है। वही दूसरे दीवार को हुंकारा निवान नाम से जाना जाता है। वही एक और द्वार है, जिसे सिम्मा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। पहाड़ी के शीर्ष में 5 वर्ग मीटर यहाँ 5 तालाब हुआ है, जो हमेशा भरी रहती है और ये बहुत सुंदर दिखाई देती है, जिससे लोगों की लुभावनी मन को एक सुंदर प्रतीत होती है। वही यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे महिषासुर मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है शंकर गुफा, जिसे बहुत ही एक भयंकर और अंधेरी छाया रहता है, जिसे आप देख सकते हैं। यह एक चित्तौड़गढ़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। और SACL जिस कोरबा में है, मानते हैं कि यहाँ घूमने और देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा जाते हैं और एक पर्यटक क्षेत्र का एक दायरा देते हैं, जिससे लोगों की मन में उत्साह बनी रहती है और बहुत ही ज़्यादा जाया जाता है। एक जंगल के बीच में चैतुरगढ़ पड़ता है, जिसे एक ऊपर दिखाई देती है। अमरकंटक आप गए होंगे, अमरकंटक जैसा चैतुरगढ़ लगता है। तो चैतुरगढ़ कोई ज़्यादा दूर नहीं है, बस पास है। तो जो घने जंगल में बना हुआ यह एक चैतुरगढ़ मंदिर, महिषासुर मंदिर है, जिसे आप देख सकते हैं। कोई ज़्यादा दूर नहीं, हवाई अड्डा से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है और वही कोरबा रेलवे स्टेशन से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको बता दूं, बिलासपुर क्षेत्र और बिलासपुर जिले से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा जगह है और एक घने जंगल में बसा हुआ पर्यटक और सुंदर प्रतीत होती है, जिसे छायादार जगह भी कहा जाता है। यह रतनपुर रोड से आप जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं छत्तीसगढ़ की पूरी जानकारी आपको देते रहूँगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ की जानकारी पूरी आप